क्योंकि बुंदेलखंड राजा रजवाड़ों का एरिया माना जाता है, यानी कि गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर अनेक विरासतें आज भी राजाओं की पहचान को जीवित रखती हैं। इसका जो दरवाजा है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना विशाल दरवाजा है, कितना मजबूत है। और इसका जो गेट है आज लगभग टूटने की हालत में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। और आज के सफर में हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के टहरौली शहर में, क्योंकि टहरौली शहर में ही ये लगा हुआ है टहरौली का किला, जो आपको हमारे पीछे दिखाई दे रहा है। काफी बड़ा किला है, लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि महाराजा वीर सिंह जी देव ने 1621 में इसका निर्माण करवाया था। क्योंकि महाराजा वीर सिंह जी देव अपने युग में, यानी कि स्वर्ण युग कहा जाता है उनके शासनकाल को, तो 52 इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसमें ये किला भी एक है, जिसमें महाराजा वीर सिंह जी देव ने राज किया। फिर उनके पुत्र यानी कि लाला हरदौल ने राज किया और उनके 3 पुत्र हुए, विजय सिंह, प्रताप सिंह, राय सिंह। राय सिंह जो थे उनके 8 पुत्र हुए और उन्हीं में से उनके एक पुत्र लक्ष्मण सिंह हुए, जिन्होंने इस किले पर काफी समय तक राज किया। और उसके बाद कई राजाओं ने यहाँ पर राज किया, जिनका इतिहास मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। फिलहाल इस किले को देखिए, आज ये अपने अतीत के लिए रो रहा है, अपने वजूद को खो बैठा है और ये चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। ये कह रहा है, पुकार रहा है कि मुझे बचा लो, मैं गुजरा हुआ कल हूँ। ये आज भी अपनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों में ये धराशायी हो जाएगा। 2022 में इसके सुधार के लिए, इसकी मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए का पैकेज सरकार ने दिया था, लेकिन मात्र 3 करोड़ रुपए में इसकी सफाई हो सकी, यानी कि झाड़ू ही लग सकी। इसमें एक बोरी सीमेंट भी नहीं लगाया गया। आखिर आपको ये देखना होगा कि ये इतना बड़ा किला है कि क्या 3 करोड़ रुपए सिर्फ सफाई में ही खर्च हो गए। आपको इस किले को पूरा देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि इस समय इतनी बड़ी विरासतों को आज हम कैसे खो रहे हैं। इसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं और एक समय ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत ही सुरक्षित किला था, और आज भी ये बाकी में बहुत मजबूत है। तो हम इसको बारीकी से देखेंगे और सरकार का रवैया भी देखेंगे कि आखिर 3 करोड़ रुपए सिर्फ झाड़ू पोंछे में ही खर्च हो गए, तो फिर क्यों हम गरीब मजदूरों को इतना कम पैसा मिलता है। अगर झाड़ू पोंछे में 3 करोड़ रुपए मिल सकता है, तो हमको जीवन भर मजदूरी करने की जरूरत क्या है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और पूरा देखकर अधिक से अधिक शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक फैल सके और सरकार के पास पहुंच सके कि आखिरकार उनका असली चेहरा क्या है। तो चलिए हम एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं। ये देखिए, अब हम किले को आपको दिखाएंगे तो दोनों तरफ ये बुर्ज बने हुए हैं, जिन पर उस समय सैनिक तैनात रहते थे। और ये उसका उस समय का मजबूत गेट जो आज भी लगा हुआ है, दोनों तरफ बुर्ज लगे हुए हैं। ये देखिए, इसके संदर्भ में कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए। और अब आप देख सकती हो इसका जो दरवाजा है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना विशाल दरवाजा है, कितना मजबूत है। और इसका जो गेट है आज लगभग टूटने की हालत में है, यानी कि टूटना, कुछ भी समय टूट सकता है। उसके जो नुकीले तीर देख सकते हो आप, जो कि उस समय शत्रु सैनिक को रोकने के लिए लगाए जाते थे, ताकि कोई भी शत्रु का सैनिक यानी कि हाथी वगैरह से इस गेट को तोड़ ना सके। तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ये नुकीले तीर लगाए गए थे। उस समय का ये गेट आज भी लगा हुआ है, लेकिन टूट चुका है। इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर सैनिक बैठकर इसकी सुरक्षा दिया करते थे, ऊपर भी सैनिक पहुंचा करते थे, ताकि महाराज जब निकले तो फूलों की बारिश हो सके। ये देखिए, उस समय का ये गेट लगभग 30 फुट ऊंचाई तक लगा हुआ है। और उस समय का ये पूरा जो दरवाजा, जो काफी मजबूत है, दोनों तरफ सैनिक बैठा करते थे। और इसके बाद अब हम किले के अंदर पहुंचते हैं तो कुछ टूटी फूटी दीवारें इस तरह की हमें नजर आएंगी, जिनको हम एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। ये देखिए, अब हम चलते हैं इस किले की एक एक चीज को देखने के लिए। एक समय वीरों की शान रहा टहरौली किला, इन दिनों बदहाली के आंसू बहा रहा है। आज के समय में यह किला खंडर में तब्दील होता जा रहा है, जबकि यहाँ के लोगों की जुबा पर आज भी इस किले के राजाओं की कहानी सुनने को मिलती है। यह किला झांसी के मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर टहरौली तहसील में स्थित है। इसकी आकृतियां, बनावट और खूबसूरती आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
यह जो किला है लगभग 15 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से किले के दोनों ओर गहरी खाइयां बनाई गई हैं। इस किले के एक ओर तालाब है जो राजाओं के शासनकाल में उन्हें सुरक्षा प्रदान करता था। किले में प्रवेश के लिए 7 दरवाजे थे जो आज भी हैं। इन 7 दरवाजों से होकर ही लोग किले के अंदर पहुंचते हैं। किले के अंदर तहखाना, गुप्त रास्ते हैं। इसके साथ ही शासनकाल में पानी के इंतजाम के लिए 3 बावड़ियां बनाई गई थी जो कि 4 दीवारी के अंदर है। इसके साथ ही 2 चौपड़े, पहला दीवान शाही जिसमें हाथी पानी पीने के आते थे, व दूसरा तड़ैया चौपड़ा, पहला तालाब से लगा हुआ है तो दूसरा 4 दीवारी के भीतर है। दीवान शाही के बारे में यहाँ के ग्रामीण लोग बताते हैं कि यह इतनी गहरी है कि आज तक इसकी गहराई तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। साथ ही किले के प्रवेश द्वार व अन्य हिस्से में तोपें भी देखने को मिलती हैं। गेट वगैरह भी टूट चुके हैं, जो यहाँ पर सैनिक बैठकर सुरक्षा को तैनात किया करते थे। और यहाँ से जो कुछ सीढ़ियाँ गई हुई हैं जो कि जाकर इस दरवाजे के ऊपर जाती हैं, जिससे सैनिक ऊपर से भी इस किले को सुरक्षा दिया करते थे। एक समय में इसकी जो खूबसूरती थी वाकई में देखने लायक थी, लेकिन आज ये अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ये चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं मुझे बचा लूँ, मैं गुजरा हुआ कल हूँ। आप देख सकते हो इस वीरान पड़े सुनसान किले की हालत। इतिहासकारों की माने तो लक्ष्मण सिंह के बाद इस किले के अंतिम राजा नरपत सिंह हुए। जो कि नरपत सिंह जो राजा थे वो बहुत ही बहादुर राजा थे। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने अपनी हार स्वीकार नहीं की, अंग्रेजों का डटकर सामना किया। अंग्रेज उनको जीत नहीं पाए, जिसके बाद अंग्रेजों ने एक ऐसी चाल चली जिसकी वजह से महाराजा नरपत सिंह को धोखे से मार गिराया। इतिहासकार बताते हैं कि 1886 में अंग्रेजों द्वारा आयोजित राजाओं के सम्मेलन में महाराजा नरपत सिंह को भी आमंत्रित किया गया था, तथा उन्हें जहर से भुजे हुए कपड़े धोखे से पहनाए गए थे। उन कपड़ों को पहनकर जब वह महाराजा अपने किले के लिए यानी कि टहरौली के लिए वापस आ रहे थे, तब जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया और किले से 4 किलोमीटर दूर ही उनकी मौत हो गई। बताया तो यहाँ तक जाता है कि जहर इतना तेज था कि उनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए थे। उसके बाद ये जो किला है वीरान पड़ गया। 5 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला यह किला एक समय में बहुत ही बड़ा मजबूत किला और सेना के लिए पहचान रखने वाला था। यहाँ के जो राजा थे मुनि संतान थे, लेकिन उन्होंने इस राज्य को खूब आगे बढ़ाया और इसकी सेना जो थी बहुत ही मजबूती से बढ़ाई। देख सकते हो चारों तरफ से इसकी जो सुरक्षा दीवार है आज भी यहाँ पर बनी हुई है, और अधिकांश दीवारें यहाँ पर खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि एक समय में ये बहुत ही मजबूत और एक सुरक्षा तमक किला रहा होगा। फिलहाल सरकार इसकी सुधार के लिए कोशिश कर रही है। सरकार द्वारा इसे 3 करोड़ का पैकेज भी दिया गया है। अभी जहां पर हम खड़े हैं तो इस तरह से लगता है कि जैसे राजा का मुख्य आंगन होगा, और इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत महल है जिसके अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खंडर है और यहाँ पर पेड़ पौधे भी बने हुए हैं, तो इस वजह से कुछ ही जगह हैं जो हम देख पाएंगे। आइए अब हम आपको इसके अंदर ले चलते हैं। अंदर आप देखोगे तो यहां पर उस समय की कुछ टूटी फूटी दीवारें जो आज भी दिखाई दे रही हैं, टूटे हुए क्षतिग्रस्त ये छत, और उस समय की ईंटों से इसका पूरा जो निर्माण है, क्योंकि ये इसका जो निर्माण हुआ था लगभग 1621वीं शताब्दी में महाराजा वीर सिंह जी देव ने इसका निर्माण करवाया था, क्योंकि उनके शासनकाल में 52 इमारतों का निर्माण करवाया गया था जिसमें यह भी एक है। यहाँ से देखिए तो ये महल में एक दूसरा महल यानी कि ये राजा का मुख्य महल होगा जहाँ पर रानी वगैरह रहा करती होगी। यहाँ पर सैनिक बैठकर सुरक्षा दिया करते होंगे।
दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है और फिर इसके अंदर इस मेहराब वाले दरवाजे से हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा मोड़ दिखेगा। इस मोड़ को पार करते हुए और हम अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए उस समय यहाँ पर क्या रहा होगा ये कोई निश्चित नहीं कह सकते। यहाँ पर देखिए तो हो सकता है यहाँ पर पानी वगैरह भरा रहा करता होगा या कुछ और, कुछ निश्चित नहीं कह सकते। यहाँ से मोड़ दिएंगे और इस मोड़ को जब हम पार करेंगे तो फिर हम अंदर महल में पहुँच जाएंगे। और अब हम अंदर पहुँच चुके हैं तो अंदर कुछ ज़्यादा देखने लायक चीज़ें नहीं हैं क्योंकि ये खंडर में तब्दील हो चुका है। इसमें आपको दिखेंगी तो सिर्फ टूटी फूटी दीवारें, कुछ कमरे इसके सही भी हैं जिनको देखा जा सकता है लेकिन अधिकांश ये टूट फूट में बदल चुका है। एक समय बहुत ही सुंदर इतिहास अपने अंदर सजोए रखता था। फिलहाल हम चलते हैं उस जगह जो मुख्यतः नृत्य के लिए बनाई गई थी, यानी कि जो यहाँ के राजा थे वो नृत्य वगैरह में भी बहुत ही रुचि रखते थे। इस महल में आपको दो दरवाजे देखने को मिलेंगे, ऐसा ही एक और दरवाजा आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये जो पूरा महल है ये दो भागों में बटा हुआ है। ये देखिए एक दरवाजा यहाँ पर है और एक वैसा ही दरवाजा यहाँ पर है, यानी कि राजा के लगभग दो पुत्रों के लिए ये महल बनाया होगा या फिर दो रानियों के लिए ये अंदर एक बहुत ही सुंदर महल बनाया गया था। दोनों के अंदर हम जाएंगे तो देखने में कुछ भी नहीं है, सिर्फ टूटी फूटी दीवारें ही हमको नजर आएंगी और अंदर जाने के लिए रास्ता भी सही नहीं है क्योंकि इनकी जो हालत है बहुत ही बुरी हो चुकी है। ये अपने लिए रो रहे हैं, इतिहास की अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए हैं। इन महलों में इन किलों में ऐसे ऐसे राजा रह चुके हैं जिन्होंने इतिहास में एक अपनी अलग ही पहचान बनाई है लेकिन आज ये प्राचीन विरासतें हमसे खो जा रही हैं, हमारे हाथों से निकलती जा रही हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलकर ये प्राचीन विरासतें हमें देखने को नहीं मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पर आपको दोनों तरफ ये खुले हुए दरवाजे मेहराब वाले दिखेंगे और बीच में ये आंगन बना हुआ है जिसको यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ के जो महाराजा थे वो नृत्य के काफ़ी शौकीन थे, कला के शौकीन थे, जिस वजह से उन्होंने यहाँ पर नृत्य के लिए ये सारा व्यवस्था की थी। निर्माण आप देखोगे तो सारा ही निर्माण यहाँ पर ईंटों से आपको देखने को मिलेगा। दोनों तरफ से यहाँ पर हवा आती थी और यहाँ पर आंगन में नेत्रांगना नृत्य किया करती थी। सामने आप देखोगे तो आपको बहुत भारी दो तालाब दिखेंगे और जो इस किले को एक बहुत ही सुंदर रूप भी देते हैं उस समय पानी की सारी व्यवस्था भी रहती थी। इसके ग्राउंड में आप देखोगे तो इसी तरह की टूटी फूटी दीवारें और ये हरियाली आपको देखने को मिलेगी। जो भी चीज़ यहाँ पर देखने काबिल है या देखने लायक है उसको हम पूरा देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार की कुछ दानालय बनी हुई है जो कि मैंने आपको बताया कि ये महाराजा ने नृत्य के लिए, नृत्य कला के लिए विशेष बनवाया था क्योंकि यहाँ के जो महाराजा थे नृत्य के काफ़ी शौकीन थे। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह की ये देखने को मिलेगी। और यहाँ से आप देखोगे तो सामने आपको इसकी जो सिक्योरिटी दीवार देखने को मिलेगी, जो बुर्ज बने हुए हैं ये देखिए, और सामने आपको इसका प्रवेश द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि काफ़ी मजबूत है, काफ़ी बड़ा है। आंगन की कुछ हालत इस प्रकार है कि जिसे देखकर रोना आ जाए। अब मैं इसकी सबसे ऊपरी छत पर पहुंचकर आपको कुछ विशेष दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि वाकई में एक समय में यह किला कितना सुंदर रहा होगा, कितना मजबूत रहा होगा और क्या इसकी खूबसूरती रही होगी। तो आइए दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं इसके छत पर।
और इसकी छत पर पहुंचने के बाद हम और कोशिश करेंगे एक और छत पर पहुंचने की, क्योंकि ये जो किला है वाकई में बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। अब हम इसकी सबसे ऊंची छत पर आ चुके हैं। यहां से आप इसकी एक एक चीज को बारीकी से देख सकते हो। सबसे पहले यहां से देखिए इसका प्रवेश द्वार जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। प्रवेश द्वार के बाद एक छोटा सा ये जो बुर्ज बने हुए हैं, एक समय यहां पर किसी मंत्री या किसी राजा के लिए महल बनाया गया होगा छोटा सा, जो आज नष्ट हो चुका है। उसके बाद आप इस तरफ देखोगे तो इसकी जो सिक्योरिटी दीवार है ये काफी लंबी फैली हुई है, और इसको देखते हुए इसके उस तरफ ये दो तालाब लगे हुए हैं जो इसको उस समय सुरक्षा दिया करते थे, ताकि जो शत्रु है इसको पार करके इस पर चढ़ाई ना कर सके, क्योंकि चारों तरफ इसी तरह के तालाब बने हुए हैं। और अभी जो ये दीवारें आपको टूटी फूटी दिखाई दे रही हैं, ये एक समय बहुत ही सुरक्षित रहा करती थी, सुरक्षित थी। आज फिलहाल में ये खंडर में तब्दील हो चुका है। ये देखिए इस सुरक्षा दीवार को देखते देखते अब आप आ जाएंगे यहां पर। यहां पर जो कि महल बने हुए हैं, दो महल एक जैसे बने हुए, यानी कि या तो दो रानियों के लिए या फिर दो राजा के पुत्र होंगे, उसी हिसाब से ये बनाए गए हैं, जिनकी कुछ छतें आज भी देखने काबिल हैं, जिन पर लोग आते जाते हैं। और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर अभी हम जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या कुछ उसमें देखने लायक है। यहाँ पर कुछ तोपें वगैरह भी रखी हुई हैं जो अष्ट धातुओं से बनी है, उस समय दीवारों पर रखा करती थी, उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के टहरौली पर, यानी कि टहरौली के किले पर, जो कि 5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसको आप देखोगे तो आपको आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक दीवारें आज भी चीख चीख कर अपने बीते हुए कल को यादों को अपने पास में संजोए हुए हैं। क्योंकि जो बुंदेलखंड है इसमें अनेकों विरासतें हैं, क्योंकि बुंदेलखंड राजा रजवाड़ों का एरिया माना जाता है, यानी कि गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर अनेक विरासतें आज भी राजाओं की पहचान को जीवित रखती हैं, लेकिन कई किले ऐसे हैं जो अपने गुजरे हुए कल की यादों को अपने अंदर सजोए हुए हैं और चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि मुझे बचा लो, मैं गुजरा हुआ कल हूँ। आज जिस किले पर हम पहुंचे हुए हैं, इतिहासकार बताते हैं कि ये किला जो था महाराजा वीर सिंह जू देव, जो कि ओरछा के राजा थे, उन्होंने ही इसका 1621 में निर्माण करवाया था, क्योंकि महाराजा वीर सिंह जू देव के युग को स्वर्ण युग कहा गया है। जिस समय उन्होंने राज किया उस समय उन्होंने 52 इमारतों का निर्माण करवाया, उसी में से ये किला भी एक था। यहाँ पर महाराजा वीर सिंह जू देव के वंशज हरदौल ने काफी समय तक राज किया, और लाला हरदौल के 3 पुत्र हुए, विजय सिंह, प्रताप सिंह, राय सिंह। उन्हीं में से राय सिंह के 8 पुत्र हुए, और राय सिंह के 8 पुत्रों में से ही एक पुत्र थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने इस किले पर राज किया। और उसके बाद कई और राजाओं ने भी यहाँ पर राज किया, काफी इमारतों का और भी निर्माण करवाया। बीते हुए कल में इस किले में कई रहस्य और कई कहानियां छुपी हुई हैं, इसमें कई वीरता के किस्से भी छुपे हुए हैं, जिनको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इस किले की दशा देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि हम अपने गुजरे हुए कल को ऐसे ही अगर ना देखें, उसे अनदेखा करते रहें, तो खो देंगे। आने वाले समय में इतिहास की जो ये चीजें हैं जो हमें अपने पूर्वजों पर गर्व महसूस करवाती हैं, उनको हम खो देंगे। तो आइए दोस्तों, इस किले को हम बारीकी से एक एक चीज इसकी देखते हैं और बताते हैं कि आखिरकार क्या इसकी कहानी है, क्या रहस्य है, और क्या क्या दर्द इसने अपने अंदर छुपाए हुए हैं, कितने रहस्य इसके अंदर छुपे हुए हैं, और किस तरह ये अपने अतीत के लिए रो रहा है। तो चलिए एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं रानी महल और राजा महल के अंदर। ये जो दो भाई लोग हैं ये यहीं के हैं, और ये हमें पूरा महल बारीकी से घुमाएंगे। इन छोटे छोटे दरवाजों से होकर
अभी भाई हम रानी महल के पास हैं या कहां पर हैं? जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं, उनकी रास्ता है। ये रास्ता है कुछ गुप्त, और उस समय का जो ये निर्माण है आप देख सकते हो सिर्फ ईंटों ही ईंटों का निर्माण है। किस तरह से यहाँ पर छत आज भी मजबूती की तरीके से डटे हुए है, किसी भी तरह के सरिया या फिर सीमेंट का उपयोग नहीं मिलता है इसमें, लेकिन इनकी जो छत है आज भी पूरी मजबूती के साथ यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर पीछे तालाब लगे हुए हैं, यानी कि जो इसको एक सिक्योरिटी भी प्रदान करते थे उस समय, ताकि कोई भी शत्रु इनको पार करके किले पर आक्रमण ना कर सके। ये टूटे फूटे गुर्ज, एक समय इन पर सैनिक तैनात रहते थे, और ये भी कुछ कमरे रहे होंगे, कुछ महल रहे होंगे जो आज टूट चुके हैं। कुछ विशेष ही इसमें कुछ देखने को मिलेगा, ये देखिए इसकी टूट फूट जो आज भी नजर आ रही है। क्रीड़ा स्थल दिखा दो। क्या दिखा रहे भाई? क्रीड़ा स्थल, खेल का मैदान। ये देखिए उसके जो कमरे हैं कुछ इस तरह के से हैं, छोटी छोटी रास्ताएं और ये मेहराब वाले दरवाजे। ये देखिए नीचे के लिए जो गुप्त रास्ते हुआ करते थे उस समय, और अभी हम इसके ऊपर ही घूम रहे हैं। ये देखिए अब हम इस टूटी हुई दीवारों को पार करते हुए रानी महल में पहुंच चुके हैं। ये देखिए रानी महल वाकई में बहुत ही खूबसूरत है और देखने लायक है। ये मेहराब वाले दरवाजे, सुरंग, इससे कहां पहुंचेंगे? कुआं है यहां पर। अच्छा अच्छा सुरंग है यहां से। अच्छा तो इससे कहां पहुंच जाएंगे हम? अपन कुआं के पास पहुंचेंगे। ये मतलब उस तरह उस समय सिक्योरिटी के लिए कुआं करती थी। ये देखिए टूटी फूटी दीवारें और काफी मजबूत किला इसके ऊपर। ठीक है ऊपर चलते हैं। उस समय इन मेहराब वाले दरवाजों को आप देख सकते हो, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो राजा थे लगभग उनका जो कद था छोटा था, उसी वजह से ये जो दरवाजे हैं बनाए गए, या फिर उस समय की बनावट ही ऐसी रहा करती होगी। सीढ़ियों को पार करते हुए हम रानी महल के ऊपरी हिस्से में पहुंच रहे हैं। ये देखिए रानी महल के एक हिस्से को पार करते हुए हम और सबसे ऊपर के हिस्से में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और अब हम रानी महल के उस हिस्से में आ चुके हैं जिसकी छत टूट चुकी है, और अब हम उस क्षेत्र पर यानी कि उस दीवार पर उस छत पर पहुंच चुके हैं जहां से आप पूरा टहरौली और इस पूरे किले को देख सकते हो। ये देखिए शेर का पिंजरा है यहाँ। शेर का पिंजरा यहाँ पर ये नीचे या इसमें? इसी में सामने वाले में। ये देखिए सामने जो दीवार आपको दिखाई दे रही है इसमें शेर उस समय कैद रहता था, जिसको अभी हम पास जाकर बहुत ही बारीकी से देखेंगे। और ये देखिए पूरा टहरौली शहर लगा हुआ है, खेल का मैदान। ये पीछे खेल का मैदान लगा हुआ है, और इसी तरह की टूटे फूटे गुर्ज भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर तोपे भी हैं, अभी तोपे तोपे भी डली हैं यहाँ पर। हाँ तो उन तोपों को भी देखेंगे। ये देखिए टूटी फूटी दीवारें, गुप्त घर हैं यहाँ। ये गुप्त, अच्छा इन गुप्त उस समय के गुप्त मकान। इसकी जो छत है लगभग टूटने की स्थिति में है, जो कि आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए ये इसका मुख्य वो महल है जो आज कुछ सुरक्षित है और कुछ बुरी तरीके से टूट चुका है। सरकार केयर नहीं करती इस वजह से टूट गया। इसके लिए 3 करोड़ का पैकेज तो मिला है, पैकेज मिला है लेकिन खा गए, अभी खा गए, कोई काम नहीं हुआ इस पर। इसके लिए 3 करोड़ का पैकेज आया था पिछले ही वर्ष, 3 करोड़ का पैकेज इस किले के लिए दिया गया, और मात्र साफ सफाई ही हुई 3 करोड़ में। कोई इसकी मरम्मत नहीं हुई, कोई भी दीवार नहीं हुई, कोई छत नहीं डला, सिर्फ साफ सफाई हुई और 3 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ये है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया। आप देख सकते हो इस किले पर 3 करोड़ रुपए क्या 3 लाख रुपए का भी खर्च नहीं दिखता है एक साल में, और 3 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए तो सिर्फ साफ सफाई में। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाओ ताकि सरकार का असली चेहरा और जो इस तरह की विरासतों का पैसा अपने अंदर
खा रहे हैं उसको समेटकर सांप बनकर कुंडली मारकर बैठे हुए, उनको पता चले कि ये विरासतें आज भी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर तुमसे रहम की भीख मांग रही हैं कि मुझे बचा लो, मैं गुजरा हुआ कल हूँ। योगी सरकार ने 3 करोड़ का पैकेज इस किले को दिया था और मात्र साफ सफाई हुई इसकी और 3 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाने की जरूरत है। फिलहाल में हम इसकी और वो चीजें दिखाना चाहते हैं आपको, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि ये महल एक समय क्या हुआ करता था। भाई इसकी वो तोपे दिखाइए जो तोपे रखी हुई है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अब हम शेर के पिंजरे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि महल तो आपने अधिक देखे हैं लेकिन शेर के पिंजरे जो थे वो आपने किसी भी महल में नहीं देखा होगा। ये देखिए उस समय सीढ़ियों के नीचे कुछ विशेष सामान रखने के लिए बनाई गई थी। अच्छा पता ही नहीं चलता कि कहां पर है। एक समय यहाँ पर मस्जिद हुआ करती थी। ये कहाँ जाते हैं ये गुप्त रास्ते? ये देखिए उस समय यहाँ पर जो गुप्त रास्ते और सुरंगें जाती थी जो कि काफी दूर 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर निकलती थी, जिनके रास्ते आज भी यहाँ पर बने हुए हैं। अब यहाँ पर एक समय हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद हुआ करती थी जो आज बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसका पता भी नहीं चलता। ये देखिए अब हम चलते हैं कुछ ऐसी जगह जो देखने लायक है और शेर के पिंजरे के पास की। भाई ये यहाँ से पहुंच जाएंगे। ये उस समय की देखिए मेहराब वाले दरवाजे, ये इमारतें जो ईंटों से इनका पूरा निर्माण है, 1621वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था, यानी कि 1621 में महाराजा बीर सिंह जू देव ने इसका निर्माण करवाया था। हाँ बाद में इसके जो राजा हुए वो नरपत सिंह राय हुए, हरदौल लाला के वंशजों ने भी यहाँ पर राज किया। भाई इनका रहस्य बताना ये क्या है? ये तो भाई मुझे पता नहीं है। उस समय हो सकता है इसमें कुछ पानी वगैरह भरा रहा करता होगा, कुछ गुलाब वगैरह का पानी, जिससे कुछ सुगंध अच्छी सी आए। अब हम चलते हैं उस शेर के पिंजरे के पास। ये सामने जो आंगन देख सकते हो महल के, जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो आप इस तरह के ये दरवाजे देखोगे और इन दरवाजों को देखने के बाद ये आंगन दिखाई देगा और ये दीवार रहा करती होगी उस समय। ये अंदर आने के लिए कुछ ऐसे दरवाजे बनाए गए थे जिनमें काफी मोड़ रहता था, जिससे कोई भी शत्रु अगर इनके अंदर आता है तो उसको अपनी जो शक्ति है उसकी शक्ति आधी हो जाती थी। इसी वजह से ये गुप्त रास्ता है नीचे से। ये देखिए उस समय का ये वो गुप्त रास्ता है जिससे काफी दूर सुरंगों द्वारा पहुंच जाते थे। फिलहाल आज तो यहाँ पर ये पेड़ पौधे और जंगल इस तरह से हो चुका है कि इसका सारा व्यू हम नहीं दे पा रहे हैं। हाँ 2022 में आया था ना, 2022 में इस किले के लिए 3 करोड़ रुपए आया था इसके सुधार के लिए, जिसमें सिर्फ सफाई ही हो सकी और पूरा पैसा खर्च हो गया। सफाई भी पूरी नहीं हुई, ये पेड़ पौधे भी नहीं काटे गए। इस तरह से हमारे देश का विकास हो रहा है। ये देखिए सुरंग का रास्ता, अब हम चलते हैं इन छोटे छोटे रास्तों से शेर के पिंजड़े के पास। ये देखिए उस समय अंदर पड़ा रहता था, इसके अंदर शेर रहता था जहां पर अभी हम हैं, उसके अंदर भी चल रहे हैं हम। उसके अंदर चल रहे हैं हम कि कहां पर कैसे शेर बंद रहता था, उस समय कैसे रखते थे। इतने कमरे इसमें बने हुए हैं, फिलहाल वहां पर नहीं पहुंच पा रहे। कोई बात नहीं भाई, यहां से देखिए गंदगी डली हुई है, ऊपर तो अपन पहुंच नहीं सकते। अच्छा तोपों को जेसीबी से नहीं हिला पाया क्या? इतनी बड़ी तोपे हैं,
मतलब कुछ इस प्रकार से तोपें रखी हुई हैं कि जिनको जेसीबी से भी हिला नहीं पाए। ये देखिए आखिर क्या कनेक्शन है इन तोपों का, जिन्हें जेसीबी से भी हिला नहीं सके। अष्ट धातुओं से बनी हुई उस समय की तोपें आज भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, जिनके अंदर काफी बड़ा गोला रहा करता होगा। और आदमी लोग काट काट के ले गए, ऊपर का लोहा वो तो धातु अच्छा है ना, वो महंगी वाली धातु है, तो लोग काट काट के ले गए इसको। ये देखिए तो ऐसे ही उस समय शायद ये दीवारों पर रहा करती होंगी इन पर, लेकिन टूट फूट होने के कारण नीचे आ चुकी हैं। लेकिन इनमें इतना वजन है, किन धातुओं से बनी हुई है कि इनको कोई उठा भी नहीं सकता। लेकिन इसको उठा नहीं पाई, जेसीबी वगैरह भी यहाँ पर फैल उड़ती हुए नजर आई हैं और कोई भी इसे उठा नहीं पाया है। यहाँ पर काफी गंदगी भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस खंडर में तब्दील हो चुका है। अगर पूरा 3 करोड़ रुपए इसमें लगा होता तो आज इसका दृश्य कुछ अलग ही नजर आता। ये देखिए यहाँ से इसका ये दृश्य देखिए, इसकी टूटी फूटी दीवारें और इसकी रोने चिल्लाने की आवाजें भी सुन लेना कि किस तरह ये अपने वजूद के लिए मजबूत खड़ा है और आज भी जंग लड़ रहा है। ये पूरा चलो भाई एक और सूप दिखा देना, मार्केट लगा है, एक और सूप देखिए, यहाँ पर कुछ जंगली जानवर यानी कि सांप वगैरह भी रहते हैं, जिसकी वजह से भूत प्रेत भी रहते हैं। ठंडा डला है ना, कोई रहता नहीं वहाँ पर। हाँ, जहाँ पर कोई नहीं रहता वहाँ पर भगवान भूत प्रेत रहते ही है। ये अष्ट धातुओं से बनी तोपें एक समय दीवार पर रहती थी, इन दीवारों पर, लेकिन आज ये क्या है कि दीवारें टूट चुकी हैं तो नीचे आ चुकी हैं। लोग इन्हें चोरी करने की कोशिश करते हैं, इनका देखिए लोहा भी काट कर ले गए हैं, लेकिन इनको कोई भी उठा नहीं सकता। जेसीबी भी इनको उठाने में असमर्थ हुई, इसी वजह से आज ये यहाँ पर रखी हुई है, वरना ये देखने को नहीं मिलती। चलिए भाई अब हम यहाँ से निकलते हैं, सीधा पत्थर से इसका निर्माण है और इन पत्थरों को भी जिसको जरूरत पड़ती है तो वो तोड़ ले जाते हैं। दरवाजे में अच्छा, मतलब काफी रास्ते थे उस समय, 3-4 रास्ते थे, पूरा घुमा दिया, दिखा दिया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।